अस्सलाम वालेकुम माही। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप डियर सिस्टर? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। सही। माही, अभी हम बात कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अभी करंटली आपकी क्या मसरूफियत है, आप क्या करती हैं? आजकल मैं, पहले तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। बीएस कंप्यूटर जी साइंस मेरी फील्ड है, क्योंकि सही। मेरा स्टार्टिंग से पैशन कंप्यूटर साइंस में था, तो इसलिए मैं कंप्यूटर साइंस में ही गई हूँ। इसके ठीक। अलावा मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, जिसमें ऑनलाइन मार्केटिंग नेटवर्किंग बेस्ड वर्क है, सही। और बहुत से लोगों को ऑनलाइन वर्क के मौके भी फ्राहम करती हूँ मैं। अच्छा, सही, जबरदस्त। जी, ठीक। अच्छा माही, अब आज हमारे साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, दास्तान के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो सबसे पहले आप जो है वो अपना तारुफ करवाइए। आपकी किताब आई है रिसेंटली, तो उसके बारे में हमें बताइए, उसका टाइटल बताइए। मेरी किताब बेसिकली जो है ना, जिंदगी एक गुलदस्ता है किताब, ये टाइटल मैंने अपनी पसंद से लिखा, जो कि आज ठीक। तकरीबन 1 साल पहले से मैंने मुंतखब किया हुआ था कि मैंने यही नेम रखना है उसका। ठीक। तो ये इस किताब जब में मैंने दो जी रुख जी दो पहलुओं पे जिक्र किया है। ठीक। जिक्र ये है कि बाज़ को पहला पहलू ये है कि जैसे इंसान बलगो जो है ना, जवानी के पहलू में असर रखता है ना, यानी कि जवानी में जैसे ही उसका कदम आगाज होता है, वो कदम रखता है, तो उस हेलो, हेलो आ रही आवाज? जी, जी बताइए। तो सीन ये है कि देखें, जैसे जब आप जवानी में कदम रखते हैं तो इंसान पे कई पहलू असर रखते हैं, क्योंकि जैसे कि आजकल हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, जी तो लड़कियां और लड़के बच्चों में बहुत से ऐसे पहलू नुमाया होते हैं कि जो है ना, मतलब देखा नहीं, इन्वायरमेंट जैसे असर रखता है कि इंसान जो है ना, इश्क को आशिकी के पहलू में चला जाता है। ठीक। अब देखें, इंसान जैसा मर्जी है, लेकिन सोहबत का असर बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। बाज इंसान जैसे कि बैक जो है ना, वो आपका फैमिली इन्वायरमेंट इस तरह का स्ट्रिक्ट होता है कि आपको इस चीज़ के अलाव नहीं होते, लेकिन इस्लाम में भी इस चीज़ का अलाव नहीं है, ठीक है। जी लेकिन बाज़ औक़ात इंसान ऐसे दोस्तों के साथ ताल्लुक़ रखता है कि जिसमें सोहबत बहुत असर रखती है, उनका इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि उसके साथ बैठ बैठ के इंसान बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये चीज़ नुमाया की गई है कि जैसे इंसान बलूगत में कदम रखने जाता है, तो उसको इश्क आशिकी में जो है ना, वो बहुत सी अट्रैक्शन होती है, और वो जी कहते हैं कि यार नहीं, जब इंसान को घर से इन्वायरमेंट ऐसा नहीं ना मिलेगा कि आपको अट्रैक्शन हो, आपको एक जो है ना, वो यकीन पुख्ता जो है वालदैन अपने औलाद पे नहीं रखता, तो वो बाहर से जब मिलता है ना, तो बच्चे ने अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, बच्चे की बच्चे ठीक। अट्रैक्ट होते हैं कि यार नहीं, मुझे यहाँ से नहीं तो यहाँ से तो मिल रहा है ना। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, पहले इंसान क्या कहते हैं कि ये दोस्ती है, ये जो है ना बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन बाद में वो वही दोस्ती इसको आशिकी में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो ठीक। बेसिकली ये इस चीज पे लिखी है कि देखें, जब आशिकी वाली साइड पे चला जाता है ना, तो इसमें इस तरह का कोई वो नहीं है कि मतलब कोई फायदा नहीं है इसमें। आपको बेसिकली सिर्फ ये बताने का मकसद है कि देखें, एक जगह पे मैंने लिखी है इश्क आशिकी पे शायरी, और दूसरी तरफ से भी मैंने इस तरह के अशआर लिखे हैं कि जिसमें आपको उससे चिढ़ होना शुरू हो, कि मतलब आपको पता चले कि इसमें रसवाई के अलावा कोई चीज हासिल नहीं है। ठीक। तो इससे हटाने के लिए कहा है कि इससे एक आप जो है ना, वो नसीहत पकड़े कि इससे कोई फायदा हासिल नहीं है, बल्कि आप अगर इस चीजों में आप बढ़ते हैं, ठीक है, आगाज में तो आपको एक जो है ना, वो जज्बा पैदा होगा, आगाज में आपको एक जो है ना, वो सुकून मिलेगा,
मगर फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, देखें आप अगर अल्लाह ताला के सामने सर झुकाएंगे ना, अल्लाह से मांगेंगे, जी तो अल्लाह कहेगा कि मुझसे और मांगो। अगर वो नहीं बिल्कुल मांगेंगे ना खुदा से, तो अल्लाह ताला नाराज होगा, बल्कि वो कहता है कि अगर मैं मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं नाराज। जबकि अगर आप एक इंसान के सामने बातें कर रहे हैं, उससे दुख सुख शेयर वगैरह कर रहे हैं ना दुख सुख, तो वो एक टाइम तक आपके साथ रहेगा, वो आपको प्रॉपर टाइम तक जो है ना एंड तक आपके साथ कभी नहीं चलेगा, बल्कि वो स्टार्टिंग में आपके सुनेगा भी, आपको समझाएगा भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम आएगा कि वो आपको कहेगा कि यार ये तो ना इंसान हमेशा ही निढाल रहता है, ये तो हमेशा ही ऐसा है, ये दुखी रहता है बहुत ज्यादा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ताने देना शुरू करेगा। मगर अल्लाह ताला वो जात है अल्लाह ताला की, कि आप उसके सामने अगर नहीं ना करोगे तो वो आपसे नाराज होगा। वो तो कहता है कि आओ मुझसे मांगो, ठीक है मुझसे ठीक चीज मांगो, तो देखो मैं आपके कदम में हर चीज रखूंगा। ठीक तो मकसद माही ये है कि आप जो है ना, जी जी जी, जी मेरे लिखने का मकसद अपना ये है कि बजाय आप इश्क आशिकी में जाओ ना, तो इन चीजों से बेहतर है कि बजाय आप रुसवाई हासिल करो, जिल्लत हासिल करो, उससे बेहतर है कि आप अपनी जो लगन है ना वो अपने खुदा से लगाओ। बेशक ठीक। अच्छा माही आप मुझे ये बताइए कि जब आपने इस किताब और इस मौजू का इंतखाब किया या शायरी की आपकी किताब है तो उस वक्त ये इसको सबसे पहले तो ये बताइए कि इसको कितना वक्त लगा आपको मुकम्मल करने में, और दूसरे ये कि आप ये बताइए कि जब आप लिख रही थी तो क्या स्टार्टिंग में ही आपने खुद को ये चीज मतलब रियलाइज करवाई कि मैंने इसी थीम को लेके चलना है और मैंने ये मैसेज कन्वे करना है अपनी शायरी के जरिए, या कोई ऐसी चीज आपके सराउंडिंग में हुई कि आपको लगा कि मुझे इस मौजू पे लिखना चाहिए? हेलो, जी जी मेरी जी एक आवाज आ बात रही थी है, आपके पास? जी मैं आपसे जी पूछ रही आप, थी जी मैं आपसे पूछ रही थी कि आप तो सबसे पहले ये बताइए मुझे कि इस किताब को मुकम्मल करने में आपको कितना वक्त लगा, और उसके साथ आप मुझे ये भी बताइए कि जब आपने शायरी लिखने का आगाज किया तो क्या आपने ये सोचा था कि मैं इस एक थीम पे काम करूंगी, या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि नहीं मुझे इस अलग उस मौजू पे नहीं करनी चाहिए जो पहले सोचा हो, और आपको लगा हो कि मुझे अब इस मौजू पे काम करना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ ना कुछ इससे सीख सकें? जी तो इसका जवाब ये है कि देखिए जब मैं छोटी थी ना, मेरा जी बचपन था, मैं 5वीं जमात में थी, मैंने तब से ही लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है, मेरा पैशन 5वीं जमात से है, ठीक और जो है हेलो इसके जी जी हेलो, जी जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास माही? दिया सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आप मुकम्मल कीजिए अपनी बात। जी, तो मैंने इन सब पहलुओं पे लिख के ना, तो एंड यही सोचा, जब मैंने अपने एनवायरनमेंट को देखा, मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द माहौल ऐसा है कि जब भी बच्चा जवान होता है वो इन पहलुओं में, इन लम्हात में गुजरता है, और मतलब उनकी अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। तो मैंने ऐसे कई जो है ना मराहिल से मैं गुजरी, मतलब मेरे कई ऐसे जानने वाले थे जिनके साथ ये वाकयात हुए, और फिर जो है ना वो मतलब सराउंडिंग्स में बहुत से ऐसे पहलू मुझे देखने को मिले। तो मैंने तब से ही जो है ना वो अपना माइंड सेट कर लिया कि नहीं, मैंने अपनी शायरी के जरिए उनमें ये चीज़ उभारनी है कि यार नहीं,
जो आप ठीक उनके साथ लगन दे रहे हो ना, लगाव कर रहे हो अपना, वो बजाय उनके साथ इश्क मजाजी में लगाव रखने के, इश्क हकीकी से इनके साथ अपना लगाव रखो। ठीक ठीक तो अपने आपका अगर वालदैन हम अपने आप जी यकीन जी कायम करो। अगर आप अपने अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा हासिल करना चाहते हो ना, तो अपने वालदैन को अपने साथ लेके रखो। अगर आप है अपनी अपने स्ट्रगल को कामयाब करो, अपनी सक्सेस पाओ उसके लिए अपने वालदैन का साथ लेके रखो। हर चीज में अपने वालदैन की कामयाबी के लिए दुआ करो, अपने वालदैन से दुआएं लेके अपनी कामयाबी के लिए घर से निकलो। ठीक। चाहे आप तालीम हासिल कर रही हैं, या चाहे आपकी कोई कारोबार का है मकसद, या कोई भी मकासद है ना, उसके लिए आपको अपनी वालदैन की दुआएं बहुत जरूरी हैं। ठीक। अच्छा माही, मुझे ये बताइए कि ये जब आप कह रही हैं कि आपने काफी वक्त हो गया आपको लिखते हुए, बचपन से लिख रही हैं, तो एग्जैक्ट आप कोई बता सकती हैं कि आप किस क्लास में थी, किस ग्रेड में थी, तब आपने जो है वो कलम के साथ रिश्ता जोड़ा? मैंने 5वीं जमात से ही लिखना शुरू कर लिया था। ठीक आगाज में मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी किताब शाये करूंगी। ठीक आगाज में सिर्फ मैंने अपने लिए लिखा कि नहीं यार, मुझे लिखना है। मैं सिर्फ अपने दोस्तों में, अपने सराउंडिंग्स में ये चीजें, मुझे बहुत मशहूर था कि मतलब जो है ना, मैं शायर हूँ, और मुझे सब यही पुकारते थे कि आप शायर हो, और इंशाल्लाह एक दिन हम आपको शायर देखेंगे। ठीक ठीक अच्छा तो उन्होंने मुझे मेरा नेम ही इसी चीज से जो है ना मशहूर कर दिया था। ठीक। अच्छा तो माही, कोई ऐसी नज़म या कोई ऐसी गजल या कोई ऐसा शेर जो आपका बहुत ज्यादा मशहूर हुआ हो, और आपको तब आपने फिर फैसला किया हो कि अब मुझे एक किताब शाया करवानी चाहिए, क्या ऐसा कुछ था आपके दोस्तों में, आपके मैंने सर्कल में? जब जी मैं जी 10वीं जमात में थी ना, तो मैंने तब से गजलें लिखना शुरू किया। शायरी मैंने पहले से किया, ठीक ठीक है, और जितनी मैंने लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह सभी बहुत कमाल थी, कि मतलब मेरे सराउंडिंग्स में जिनों जिनों ने पढ़ी है ना, तो वो सब ने तारीफ की, और सब ने मतलब उनको यकीन ही नहीं करता था कि मैंने ये लिखी है। पहले तो कोई यकीन करता ही नहीं था, लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने मतलब मेरे साथ शायरी के बहुत से ऐसे वाकयात भी हुए कि उन्होंने यकीन करने के लिए मुझसे टास्क दिए, फिर मैंने उन सही टास्क को कंप्लीट किया, तो सबने माना कि नहीं यार, नहीं ये कर सकती है। तो ठीक बस तब से मेरे अंदर जज्बा हुआ कि यार अगर मैं ये कर सकती हूँ ना, तो मुझे मेरे में ये भी जज्बा आ सकता है कि मैं दूसरों को भी इन चीजों से अपने जो है जो मेरे मकासिद है, जी जी जो मैं मकासिद ने सोच समझ के इन शायरी में दे रही हूँ ना, जो मेरा जी मकसद है कि लोग मेरी शायरी को पढ़ के उनमें जो जज्बा है इश्क आशिकी का, या ये इश्क मजाजी का, वो इनसे हट जाए, बल्कि इश्क हकीकी में जाए। ठीक इश्क हकीकी का फायदा भी है, क्योंकि आपकी सही जिंदगी का मकसद ये है कि आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया, अपनी जिंदगी, अपनी जो जिंदगी है ना, वो अपने अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दें। अल्लाह ताला ठीक की जो है ना इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, उससे लो लगाओ, सही इश्क हकीकी में सही जाओ, इश्क मजाज के बजाय। तो ठीक। फिर मैंने अच्छा बस 10वीं जमात के जो है ना वो मकसद प्रॉपर शौक में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं ठीक अब मैंने ठीक लिखना है और अपनी किताब शायर सही करनी। ठीक। तो माही, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ, अपना कोई कलाम? हेलो मेरा एक शेर है जिसमें मैं ये मतलब जाहिर करती हूँ, जो मतलब मेरा फेवरेट है, जिसे मेरा बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से लगाव था। सही शेर ये है, वो अपने ही होते हैं जो लफ्जों में मार देते हैं, वो अपने ही होते हैं जो लफ्जों में मार देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि दिल किस बात से दुखता है। सही जबरदस्त ठीक। तो माही, आपने अपनी राइटिंग जर्नी बताई कि किस तरह से आपने लिखने का आगाज किया, तो माही ये बताइए कि आपका दास्तान के साथ किस तरह से रिश्ता हुआ? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 10वीं के बाद से मैंने जो है ना वो प्रॉपर सोचा था कि नहीं अब मैंने अपनी किताब शायरी
जी बाद मैंने बहुत से ने जो है ना वो राइटर से ताल्लुक रखा, और मैंने बहुत सी जो कंपनीज हैं जो पब्लिशिंग हाउस हैं उनसे जी कांटेक्ट किया, और मैंने उनसे बात की कि मेरे जो है ना प्रॉपर किताब में क्या कॉस्ट होगी, क्या सीन होगा, मतलब बहुत से लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ। एंड जो है ना वो मैंने दास्तान से ताल्लुक रखा, और दास्तान से मेरा आज से ये जब 2022 स्टार्ट हुआ था तब से मेरा ताल्लुक है, तब से मेरे नरमीन सिस्टर और जो है ना इनके जो ऑनर्स हैं उनके साथ जी जी कांटेक्ट हुआ था। तो उन्होंने मुझे पहले, मेरा माइंड था कि मैंने प्रॉपर बुक लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा नहीं, फिजिकल हार्ड कॉपी में बाद में करूंगी, पहले मैं ई बुक पब्लिश करूंगी। ठीक तो ई बुक में फिर मेरा माइंड बना, फिर मैंने अब जो है वो पहले ई बुक पब्लिश की है, देन फिर इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं हार्ड कॉपी फॉर्म में भी पब्लिश करूंगी। ठीक जबरदस्त। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा दास्तान के साथ काम करने का, किस तरह का रहा? जी दास्तान के साथ जो अभी आप कह रही हैं कि आप 2022 से जुड़ी हैं और इनके साथ काम कर रही हैं अपनी बुक के हवाले से, तो आपका तजुर्बा कैसा रहा है दास्तान के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा तजर्बा दिया है, और नरमीन सिस्टर जैसा कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की बुक पब्लिश करने में, जी अल्लाह ताला उन्हें भी नेकियों का अजर दे और उनको जजा दे आमीन। और उनके दिल की जो है नेक तमन्नाएं कबूल फरमाए। उन्होंने मेरी बहुत आमीन। हेल्प की और ठीक माशाल्लाह अच्छा तजर्बा रहा मेरा इनके साथ। सही। अच्छा, आपको फर्क कोई नजर आया दूसरे जो पब्लिशर बुक्स शाया कर रहे हैं और दास्तान में, क्योंकि आपने दास्तान का इंतखाब किया, तो कौन सी ऐसी चीज या कौन सी ऐसी बात आपको बहुत अच्छी लगी कि आपने सोचा कि मुझे दास्तान से ही अपनी किताब शाया करवानी चाहिए? जो है ना बेसिकली मेरा इनसे ताल्लुक अच्छा था, नरमीन सिस्टर से भी अच्छा ताल्लुक था, जी इनसे मैंने काफ़ी डिस्कशन वगैरह की थी, तो उसके बाद में उन्होंने मेरा माइंड सेट किया कि नहीं पहले जो है ना ई बुक में मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैंने बाकी पब्लिशर से भी बात की थी लेकिन मेरा माइंड सेट जो इन्होंने मेरा जो माइंड इन्होंने मेरा बनाया और मेरी हेल्प की वो बाकियों ने नहीं की, ठीक इन्होंने मुझे प्रॉपर एज अ सिस्टर गाइड किया और मेरी हेल्प की। उनको अल्लाह ताला अच्छा अजर दे, अच्छी जजा दे, आमीन। दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उनका भी और आपका भी, लेके मतलब आपने भी मेरा इंटरव्यू लिया और जो है हेल्प कर रही हैं, चाहे ठीक जो भी है आप अपनी फी कॉस्ट लेके कर रही हैं लेकिन एक मतलब हेल्प तो है ना, एक जी जी बिल्कुल। एक प्रॉपर जो है वो काम लेकिन हम इस तरह जो से है ना ऑर्गेनाइज पूरा होता है। जी, जी, ठीक। मैं अच्छा, बस तो लोगों आप को भी ये एक नसीहत करना चाहती हूँ कि लोगों की जी मदद करें, ठीक है, हर चीज़ पैसा नहीं होता, ठीक नेकियों के ठीक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इश्क मजाजी के बजाय इश्क हकीकी में अपना जो है ना अपनी लगन लगाएं और खुदा को अपना दोस्त बनाएं। ठीक। जो अच्छा, किसी इसके से ताल्लुक अलावा रख के आपने काम लेना है जी वो खुदा से लें, खुदा से आप अगर खुदा ताला जो है ना वो आपके शारक से भी करीब है, अगर आप बिल्कुल, उनको बेशक बोलती है ना तो वो आपके बोलने से पहले सुन लेते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल आपके ऐसा दिल ही है को जी। अच्छा, माही, बना के आप कोई रखते मैसेज हैं देना और जो चाहेंगी है रीडर्स को? रीडर को यही मेरा मैसेज है, यही मेरी नसीहत है, मेरा लिखने का मकसद है कि जो है ना इश्क मजाजी से छोड़ दें ताल्लुक, छोड़ दें, ये जिल्लत और ठीक रसवाई आपको हासिल होगी, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं है आपको, इश्के हकीकी में जाएं, अपनी लगन लगाएं, अपने खुदा को दोस्त बनाएं, ठीक है। और जो है ना देखें, आप बाज़ वक़्त ऐसे लम्हात में होती हैं कि जब आपको बहुत किसी की ज़रूरत होती है, आपको चाहिए होता है जो है ना किसी का साथ, मगर वो आपको हासिल नहीं होता, ठीक है, जी फिर आप रोना धोना जो जो भी ये मराहिल से गुजरता है उनको इलम होता है कि ये जो है ना मतलब क्या सीन गुजरते हैं, और उसमें सिर्फ जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ हासिल नहीं है, ठीक है, के जी पीछे पागल होना और जो है ना किसी का इंतजार करना और जो है ये
किसी को अपने आप बहुत करीबी बनाना, उससे बेहतर है कि आप अपना करीबी खुदा को बनाओ। वो हर बेशक लम्हे आपके सही, साथ है, ठीक है, हर बिल्कुल लम्हा बेशक जो है ना वो आप जब भी उसको बुलाओगे, जब भी आप उसको जो है ना जिक्र करोगे ना और खुदा से कुछ मांगोगे, वो बिना आपको ताना दिए, बिना आपको रुसवा किए, बिना आपको ठोकरे मारे आपको चीज देगा। आप जो मांगोगे अभी आपकी जबान पे लफ्ज नहीं आएगा और वो आपको पहले से जान लेगा कि मेरे बिल्कुल बंदे को ये बिल्कुल चीज चाहिए। बेशक जो बेशक अगर एक माँ सही है ना तो माँ से हम चीज लेते हैं, अगर वो किसी नहीं मांगती ना, वो मानती नहीं है, तो हम उनसे इसरार करते हैं, वो इसरार करने पे भी मान जाती हैं। तो वो खुदा जो 70 माओं से बढ़कर हमसे प्यार करता है, तो क्या वो हमें नहीं देगा? वो हमें अता नहीं बिल्कुल, करेगा? बेशक वो हमें अता देगा। करेगा सही, सिर्फ बिल्कुल खुदा से बिल्कुल लगन लगाओ। मेरा लिखने का ताल्लुक ये है कि इश्क मजाजी की जान छोड़ दें, इश्क मजाजी में कुछ हासिल नहीं है। स्टार्टिंग में आपको वफा मिलेगी, स्टार्टिंग में आपको जो है यकीन मिलेगा, स्टार्टिंग में प्यार मिलेगा, फिर वो वक्त के साथ साथ ढल जाएगा। कोई चीज आप सही जिंदगी भर साथ नहीं देगी और कभी भी आपके जो है ना वो एंड तक आपके साथ लाइफ टाइम नहीं चलेगी, सिवाय अल्लाह ताला के सही साथ बिल्कुल की। अल्लाह ताला जी भी जब तक आप अल्लाह ताला को अपने स्कूल मतलब अपने आपको अल्लाह ताला के सपोर्ट कर दो, वो हर चीज आपके कदमों में रखेगा। अगर आपको जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो नमाज कायम करो, सदका दो और अल्लाह सही ठीक ताला को अपना दोस्त बना लो, बस। ठीक सही। बहुत शुक्रिया माही, ठीक है आपने दीदी, हमें वक्त अल्लाह दिया और हाफ। अपनी किताब के बारे में बताया। जी, बस यही नसीहत है कि किसी के पीछे मत भागे, बस खुदा को दोस्त बनाए। ठीक। बहुत शुक्रिया माही, आपने वक्त निकाला और अपनी किताब के बारे में बताया। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।